खनियाधाना नहर में कीर्ति स्तंभ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धासुमन की अर्पित। खनियाधाना में सकल दिगंबर जैन समाज सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने जैन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के समाधि ग्रहण करने पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सकल दिगंबर जैन समाज और सामाजिक संगठनों के लोगों ने श्री पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पर एकत्रित हुए और आचार्य श्री का चित्र लेकर कीर्ति स्तंभ तक एक जुलूस निकाला गया, जहां पर दीपक जलाकर जैन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की महाआरती कर श्रद्धासुमन अर्पित की। इस दौरान श्री पारसनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से की संख्या में महिला पुरुष सहित बच्चे आचार्य श्री के जयकारा लगाते हुए और अपने हाथों में दीपक लेकर कीर्ति स्तंभ पहुंचे। सकल दिगंबर जैन महाराज द्वारा भावांजलि सभा एवं विनयांजलि सभा 25 फरवरी को रखी गई है, जिसमें समस्त संत समाज, राजनीतिक संगठन, समस्त प्रशासनिक अधिकारी, समस्त शासकीय कर्मचारी, समस्त समाज एवं समाज के गणमान्य व्यक्ति, पूज्य गुरुदेव के भक्त सभी सादर आमंत्रित किए गए हैं। जैन समाज के ही नहीं, जन जन के गौरव संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का दो उपवास पूर्वक महाप्रयाण चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में हुआ। पूज्य गुरुदेव में भगवान राम जैसी विनय, श्री कृष्ण जैसा तेज, बुद्ध जैसा ज्ञान और भगवान महावीर स्वामी जैसी तपस्या के कारण पूज्य गुरुदेव विश्वभर में विख्यात थे। दो उपवास पूर्वक पूज्य गुरुदेव का शरीर, जो पार्थिव शरीर है, उसको छोड़कर के वह स्वर्ग लोक की ओर उनका महाप्रयाण हुआ। निश्चित रूप से सकल दिगंबर जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति यह है। उसी क्रम में सकल दिगंबर जैन समाज खनियाधाना ने जिस दिन पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, सभी के नगरजनों के प्रतिष्ठान बंद रहे, 24 घंटे का अखंड भक्तांबर जी का पाठ किया, नमोकार मंत्र जी का पाठ किया एवं श्री शंभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री भक्तांबर जी का 48 रिद्धि मंत्रों से पाठ हुआ। बहुत सारे हमारी समाज के और पूज्य गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने उपवास किए, किसी ने एकासन किए, किसी ने यह संकल्प लिया कि हम आज किसी भी ऋषि को नहीं खाएंगे। इस प्रकार के संकल्प लेकर के पूज्य गुरुदेव को चैतन्य विनय अंजलि दी है। उसी क्रम में आज सकल दिगंबर जैन समाज खनियाधाना ने पूज्य गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ, जो कि नगर के हृदय भाग पर स्थित है, वहां पर आकर के पूज्य गुरुदेव को सविनय श्रद्धांजलि एवं आरती के माध्यम से उनको अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की है। आगामी 25 तारीख को पूज्य गुरुदेव के समस्त नगरजन मिलकर के पूज्य गुरुदेव की यहीं इसी स्थान पर प्रातः काल में पूज्य गुरुदेव को विनयांजलि, उनके समाधि गुणानुवाद की सभा यहीं पर होगी। सभी को सादर जय जय।